अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से गोभी के पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं हमने गोभी को अच्छी तरह धोकर इस तरह से बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है। हमें इन्हें बॉईल करना है तो पानी भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए पानी गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए ऐड करते हैं ताकि गोभी जो है अंदर से फीकी ना रहे, गोभी के अंदर नमकीन नमकीन सा फ्लेवर आ जाए। अब सारी गोभी हम इसमें डालकर बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए हमें बॉईल करनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है, गोभी हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम ऑफ़ की है। अब इसे अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। जब तक ये ड्राई होगी तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने 8-10 हरी मिर्च लिए हैं, 2 अदरक का टुकड़ा लिया है, 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अगर आप तीखा खाते हो तो आप हरी मिर्च इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। अब इसका एक फाइन सा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसका बैटर तैयार करते हैं। तो 1 कप बेसन लिया है, 1 कप ही यहाँ पर चावल का आटा जाएगा। चावल के आटे से पकौड़े जो हैं बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसी के साथ नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी जो हम इसमें ऐड करते हैं उससे पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। फिर 2 पिंच यहाँ पर हींग लेंगे और थोड़ी सी अजवाइन यूज़ करेंगे। अब इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक हमें थिक सा बैटर तैयार करना है। गोभी के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बैटर तैयार हो चुका है। अब जो हमारी उबली हुई गोभी है वो इसमें सारी डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और बस तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से कोट करना है बहुत अच्छे से और बस इसको फ्राई कर लेना है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके इसमें सारे पकोड़े हम डालते जाएंगे और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल जायका NCR पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए पकोड़े जो हैं फ्राई होने लगे हैं, बस थोड़ी सी देरी से और लगेगी, ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ करी पत्ते ऐड किए हैं जिससे पकोड़ों के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो माशाल्लाह से पकोड़े जो हैं बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ चुका है और बस ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इन्हें निकाल लेना है और बस डिश आउट करना है। बड़े ही खुशबूदार हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई कीजिए और फीडबैक भी दिया कीजिए कि कैसे बने हैं। और अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक बनता है, तो चलिए लाइक भी कर दीजिए और लीजिए हमारे डिलीशियस बड़े ब्यूटीफुल से पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो आएंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।